हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फिफ्थ ऑफ क्लास सिक्स दिस इज स्टोरी दिस नेम इज द काबुली वाला दिस स्टोरी वाज रिटेन बाय रविनाथ टैगोर यह एक स्टोरी है काबुलि वाला इन दिस स्टोरी दे आर थ्री मेन कैरेक्टर्स मिनी एंड हर फादर और काबुली वाला इसी स्टोरी में तीन मुख्य पात्र हैं मिनी है उसके फादर हैं और कावली वाला है और अदर पा अदर भी है अदर करेक्टर्स जैसे कि जो गेट कीपर है रामदयाल है भोला है और अदर पीपल और उसकी मदर ओके लेकिन थ्री जो थ्री है वो मेन है ओके और नरेटर खुद कौन है जो मिनी के फादर हैं ओके दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और फन भी है इसमें बहुत अच्छी है ओके अब नरेटर जो हैं जो मिनी के फादर है वो कहते हैं कि मेरे पाँच साल की बेटी है उसका नाम मिनी है और वो बहुत ही बातें करती है वो बिना बातें करे नहीं रह सकती और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है मुझे पता है कि उसने एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया अपने जीवन अपने उसमें जीवन में बिना बात करे और लेकिन उसकी जो माँ है वो हमेशा उसे रोकती रहती है बोलने से प्रैटल मीन्स टेंस तो, नॉन सेंस बकबक बक करना कि उसे कहती है कि ये बकबक करती है उसे रोकती रहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं करता मुझे जो मिनी है जब वो शांत रहती है तो अस्वाभाविक लगता है और मैं सहन नहीं कर सकता ज्यादा लंबे समय तक उसका शांत रहना मेरी जो खुद की बात है वो हमेशा उससे होती रहती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है एक सुबह क्या होता है मैं जब अपने नोवेल पर काम कर रहा था मिनी आई कमरे में और उसने हाथ रखा मेरे 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 शोल्डर पर और कहा कि पिताजी ये जो रामदयाल गेट कीपर है वो क्या बोलता है क्रो को करो कि क्रो को करो बोलता है वो नहीं जानता क्या वो नहीं जानता है मेरे समझाने से पहले ही एक्सप्लेन में समझाने से पहले ही वो लैंग्वेज का डिफरेंस वो दूसरे टॉपिक पर चली जाती है दूसरे सब्जेक्ट पर चली जाती है और कहती है फादर वह भोला कह उसने कहा कि फादर भोला कहता है कि बादलों में एक एलिफेंट है और उसी की टंग से टीस ट्रंग सूंड उसी की टंग से पानी निकलता है और फिर बारिश होती है उसके बाद अब वो आगे कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने क्या है दूसरा क्वेश्चन रख दिया मेरे सामने वो क्या क्वेश्चन था कि फादर कि तुम्हारा माता तुम्हारा और मदर का क्या संबंध है मदर से लेकिन तभी उसने जो है आवाज सुनी कि गली में कोई उसने आवाज सुनी ओके तुरंत ही वह विंडो की तरफ दौड़ी जाती है और कोई वहां पर चिल्ला रहा था कावली वाला कावली वाला निश्चित ही अब वो क्या था वो स्ट्रीट उस गली में वो कावली वाला था वो गुजरता था वहां से डेली वो धीरे धीरे जा रहा था ही वो उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे उसके बारे में बताया गया है कि उसने बहुत ही ढीला डाला कुर्ता पहन रखा था और अपने सिर पर उसने क्या मार थी टर्बन टर्बन मीन पगड़ी साफा पहन रखा था और एक बैग भी था उसके कंधे पर एंड और और उसके हाथ में क्या था था बॉक्स जिसमें कुछ ग्रेप्स थे काबली वाला मुड़ा और उसने उस बच्ची को देखा लेकिन जो मिनी है उसे उससे डर लगता था तो वो उससे डर कर भाग गई अपनी माँ के पास सुरक्षा के लिए सी है उसे एक अंधविश्वास था ब्लाइंड बिलीफ मीन अंधविश्वास था कि जो ये बड़ा व्यक्ति है उसके बैग में क्या है उसके अंदर टू और थ्री चिल्ड्रन है वो सोचती थी कि इसमें दो और तीन बच्चे हैं उसके जैसे ही मीन इसी बीच में क्या होता है पैडलर पैडलर मिस क्या होता पैडलर मिस क्या होता है हॉकर फेरी वाले जिसे हम बोलते हैं तो वो क्या था पैडलर वो आया अंदर और उसने ग्रीटेड भी किया उनका विद स्माइल बड़े ही सम्मान के साथ वो मुस्कराया मेरा सामान क्या कौन कहता है उसके फादर बता रहे हैं अब अब उसके फादर कहते हैं जो नरेटर है फादर नरेटर है मिनी के अब वो नरेटर वो कहते हैं कि उसने मैंने उससे कुछ चीज़ें खरीदी और उसको उसके साथ थोड़ी बातचीत भी की और उसके देश के बारे में भी पूछा ही वाज जहाँ से वो आया है वो छोड़ कर आया है और उसने बताया कि वहाँ पर उसकी एक छोटी लड़की है उसने बोला सर वेयर इज द लिटिल गर्ल कि वहाँ पर मेरी एक छोटी लड़की है थिंकिंग डेट मिनी अब वो सोचते हैं कि मनी का भय को दूर करने के लिए कि मनी को जो डर लगता है उसको दूर करना है तो मैं उस मैंने मिनी को बुलाया आउट बुलाया stood, वो खड़ी हो गई मेरे पास चेयर के पास खड़ी हो गई और कावली वाला को देख रही थी और उसके बैग को उसने उसे कुछ नट दिए और रेजन वाज वोट है उसे उसकी भी इच्छा नहीं हुई टेम्पटेड मीन ग्रीडी इच्छा लालसा नहीं हुई और किलंग क्लो, क्लो, किलंग में चिपकना स्टिंग लेकिन वो मुझसे चिपकी खड़ी रही ऐसी मेरे पास में ही खड़ी रही कि उसने रेजिन और नट्स देना चाहे उसे कुछ अखरोट और मुनक् वो मुनक्का किसमें लेकिन वो नहीं वो वहीं खड़ी रही दिस वाज देयर ये उनकी पहली मीटिंग थी पहली बार मिले थे एक सुबह क्या होता है नोट मैनी कुछ दिन नहीं हुए थे कि आई हैड मुझे कहीं जाना था बाहर एज और मैं अपने घर से चला गया आई वॉज स्टार्टेड स्टार्टेड मीस सरप्राइज में चौक गया मिनी को देखकर कि वो हंस रही थी और बात कर रही थी काबुली वाले के साथ सिवा वो कावली वाले के साथ बेंच पर बैठी हुई थी अब उसके वो नैरेटर जो है फादर उसके कहते हैं कि मिनी जो है मैंने उसको कभी भी इतना धैर्यवान नहीं पाया वो इतना सुनते हुए अपने जीवन में कभी भी नहीं पाया उसको कि द कॉर्नर ऑफ ओफर लिटिल साड़ी की वो बैठी हुई थी अपनी लिटिल साड़ी उसकी पहले स्टप्ड थी उसमें क्या थे उसकी जो उसने पहन रखी है जो भी क्लोथ उसमें आलमोंड्स थे और रेजिस् थी कि उसमें वो फोल्ड भी हो रखी थी उसमें भरे हुए थे कुछ स्टप थे भाई डिड यू गिव हर डोट अब पूछा कि तुमने क्यों दिए उसे आई आया मैंने पूछा आई और मैंने उसको एक क्वाइन लिया और उसके हाथ में रख दिया किसको देने के लिए किस को देने के लिए मैंने उसे एक दे दिया मेरे लौटने के घंटे एक घंटे एक बाद मैंने पाया कि वो जो क्वाइन मैंने दिया था उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है घर में काबुल वाला ने वो मिनी को दे दिया और उसकी जो मद मदर है वो चिल्ला रही थी कि वेयर डिड यू गेट कि तुम कहाँ से लाई हो ये क्वाइन कावली वाला अब मिनी चेयरफुली चेयरफुली मीन्स हैप्पी वो खुश होकर कह रही थी कि कावली वाला ने मुझे ये दिया है कावली वाला कि अब वो कहती है चिल्ला से चिल्लाकर कहती है कावली वाला ने दिया है तुम्हें अब उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है लकली लग अब भाग्य से क्या होता है मिनी के लिए मैं प्रवेश कर गया उसी समय मैं पहुंच गया वहाँ पर मिनी के फादर कहते हैं उसे बच कि जिससे कि उसे बचाव मिल गया वो मैंने उसका पक्ष रखा एनी थ्रेश थ्रेसिंग बी टेन कि कोई उस पर उसकी पिटाई नहीं हुई और मेड माय ओन इंक्वरीज और मैंने उसको बचा लिया क्योंकि मैं मुझे सब पता था मैंने बता दिया उसकी माँ को ओके बाद में मैंने पाया कि ये पहली या दूसरी बारी नहीं मिले थे दोनों दोनों कौन मिनी और काबली वाला काबली वाला ने ओवरकम ओवरकम मिस विजय पाले नी उसके जो डर था मिनी का, उसके डर पर विजय ली थी किसके द्वारा बिलिवरी मिस रिश्वत के द्वारा कि वो नर्स और दे देकर उसने उसका दिल जीत लिया था विजय ली थी वे दोनों अब एक बहुत बड़े अच्छे मित्र बन गए थे और हेड में और वो बहुत से जोक्स करते थे आपस में थोड़े उदाहरण के लिए कैसे जोक करते थे मुनी कहा मिनी मी, कहा करती थी ओ काबली वाला वट हैव यू गोट इन योर बैग की ओर वाले तुम्हारे बैग में क्या है एंड ही और वो उत्तर दिया करता था एलिफेंट क्योंकि जोक जोक था था करते थे तो वो क्या उत्तर देता एलिफेंट नॉट मच कोच फॉर मैनी मैन और ये किस लिए था मैनी मैन मैरीमैन मैन के लिए करते थे शायद वो दोनों हंसी मजाक के लिए करते थे एक दूसरे से ओके okay? वे दोनों जोक का एंजॉय आनंद उठाते थे दोनों एक दूसरे के साथ आनंद करते थे उसके बाद काबली वाला भी ऐसे ही उससे पूछा करता था कुछ वो कहता था कि वैन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस कि तुम कब जा रही हो अपने सास के घर कब जा रही हो मिनी वाज येट ओनली मिनी अभी छोटी बच्ची थी फिर भी सी है उसे कोई आइडिया नहीं था कि वार की फादर इन लॉ क्या होता है बट सी वुड नोट सो लेकिन वो उसने ऐसा नहीं दिखाया कि वो कुछ नहीं जानती भी है, उसने उसका आंसर दे दिया का जैसे ही दूसरे जो व्यक्ति द वर्ल्ड फादर इन लॉ जाओ उनके घर का क्या अर्थ होता है उनके की सास का घर का क्या अर्थ है दो अर्थ हो सकते हैं की इट अनादर अनादरिम एक तो हो सकता है जेल और एक ऐसा स्थान जहां पर हम बैल जेल होता है जहां पर हमारी परवाह होती है और वहां पर कोई भी खर्च नहीं लगता खुद का काबली वाला बुट्टे अब काबली वाला ने मिनी का जो क्वेश्चन है उसको किस सेंस में लिया इस सेंस में लिया उसने और उसने इस सेंस में कि ही उत्तर दिया किसमैन एक कोई पुलिस मैन होगा उसकी ओर इशारा करते उसने करते हुए कि दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसने कहा आई विल थ्रेस कि मैं तो अपने फादर इलाज मैं पीटूंगा क्या करूंगा पीटूंगा कि जैसे पुलिस वाले पीटते हैं ऐसे ही उसने ये जोक थे एड इस पर मिनी जो है वो बहुत ज़्यादा हंसी पीलो ऑफ लाफ्टर में बहुत ज़्यादा हंसी बहुत उसे हंसी आ गई जब ऐसा किया इन और वो दोनों जो फ्रेंड थे वो हमेशा ऐसा ही करते थे मिलकर एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते रहते थे मिनी मदर अब मिनी की जो माँ है उन्हें कुछ संदेह था काबली वाले के बारे में ऑफिंसि बुट बैग मीटू और अब वो बताते हैं मिनी के फादर कि वो जो है मुझसे हमेशा कहा करती थी कि उस पर ध्यान रखो उस बिग मैन बिग मैन बोलते हैं काबली वाला बहुत कि उस पर ध्यान रखो कि मुझे उस पर संदेह है मैं उसे हंसाने की कोशिश करता था उसके डर को दूर भगाने की कोशिश करता था हसी से लेकिन वो क्या है वो गंभीर रहती थी उसके बारे में कावली वाला के और वो कहती थी चिल्ड्रन चिल्ड्रन नेवर किडनैप क्या बच्चे जो है किडनैप नहीं होते किडनैप अपहरण मेरे सारे एक्सप्लेनेशन समझाने के बाद और विश्वास दिलाने के बावजूद भी उसका जो डर है वो ऐसे ही उसके विचार कावली वाले के बारे में ऐसे ही बने रहे बट आई लेकिन मैंने नहीं सोचा कि यह सही है टू फोर वी उस व्यक्ति को मना करना सही है फोर वी मीन्स डिनाई मना करना फ्रॉम कमिंग के अपने घर आने से मना करना सही है एंड द इंटीमेसी बेंट टून एन और उनकी जो क्लोज इंटीमेसी मीन्स क्लोज वो ऐसे ही चलती रही कि वो ऐसे ही आता रहा जाता रहा बस साइयर और साल में एक बार क्या होता है साल के मध्य में जनवरी में रहमान अब कावली वाले का क्या नाम है ये या आपको याद रखना है रहमान क्या नाम है उसका रहमान वुड रिटर्न वो अपने देश को जाता है वापस लौटता है और ही वुड बिकम वेरी बिजी अब वो इस समय बहुत ही व्यस्त रहता है इस समय जो होता है वो उनके घर जाता है लोगों के और कलेक्टिंग ही डेब्स और अपने जो ऋण है जो उसका पैसा है जो उधार है उसको वो करता है इकट्ठा करता है ये समय वह होता है कि वो लोगों से जो उसने सामान बेचा था और जो उसके पैसे थे उन्हें वो इकट्ठा करता है ओके वे हमेशा मिनी को देखने आया करता था नहीं वो कभी क्या होता है सुबह आ जाता था सुबह नहीं आ पाता था वो तो शाम को आ जाता था कि आया जरूर करता था मिनी से मिलने के लिए एक सुबह क्या होता है आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी मैं बुक पढ़ रहा था मैं बुक पढ़ रहा था इट वॉज़ अबाउट क्या समय था एट को क्लॉक थे आठ बजे थे और जो मौसम था वो बहुत ही ठंड थी चिली बहुत ज़्यादा ठंड थी एट वंस तभी क्या होता है तुरंत मैंने एक आवाज़ सुनी अब रोड इंदर गली में आवाज सुनी बहुत तेजी से बैन आई लुक और जब मैंने बाहर देखा आई सा रहमान मैंने देखा कि रहमान जो है वो उसे दो व्यक्ति दो पुलिस मैन पकड़ कर ले जा जा है रहे हैं रहमान को ओके वट डू यू थिंक दैट काबली वाला कावलीवाल तुम क्या सोचते हो कि काबली वाले ने क्या होगा लेट्स रीड वो हम पढ़ते हैं ओके okay? मैं बताती हूँ बिहाइंड वाज अ क्राउड ऑफ ऑफिस उसके पीछे बहुत भीड़ थी लड़कों की देर व ब्लड स्टेन और उसके जो उसका कपड़े थे उस पर खून के धब्बे भी थे काबुली वाला के एंड बनोपद और एक पुलिस ने नाइफ भी ले रखा था हरिंग आउट और जल्दी से वो जा रहे थे आई स्टॉप डा मैंने उन्हें रोका और पूछा उनसे इंक्वायरी में आज पूछा उनसे कि क्या है इसका सबका पार्ली फ्रोम तो उनमें से एक बोला पार्डी दूसरा बोला आई गैदर दैट आई और तब वहाँ पर धीरे धीरे धी धी और भी पास पास के लोग इकट्ठा हो गए और, और द पैडलर अब पता चला कि पैडलर जो है उसने कुछ पैसे उसके चाहिए होते थे किसके रामपुरी सोल रामपुरी एक सोल है ये सोल की कैटेगरी में आता है रामपुरी बट हेड फासली लेकिन उसने देने से मना कर दिया कि वो जब पैसे लेने जाता था उसने देने से मना कर दिया उसके पैसे कावली वाला के पैसे जो उसने खरीदा था उससे तो इन कोर्स ऑफ ही इसमें क्या है उन दोनों में घासू होने लगी आर्ग्यूमेंट होने लगे दोनों में रहमान है और रहमान ने जो है उसको नाइफ से मार दिया उस व्यक्ति के नाइफ से मार ना, मार दिया ही वाज नाउ कॉलिंग अब इसलिए उसको शत्रु कहा जा रहा है ने वो उसके कहीं नाम दिए जा रहे हैं कि उसके पैसे नहीं दे रहा था इसलिए उसने मारा लेकिन बाद में हम जब किसी को मार देते हैं तो हम पे ही हमें ही बोला जाता है तरह तरह के नाम से सडनली इन द दरान्डा अचानक से क्या होता है बरान्डा में मेरे घर के मीनी दिखाई दी ऐ झुझल जैसे कि वो आ जाती थी और वो चिल्लाई एक्सक्लेन मीन्स वो बोलती वो तेज चिल्लाई ओ काबली वाला ओ काबली वाला जैसे अक्सर वो कहती थी वैसे ही चिल्लाई ओ काबली वाला ओ काबली वाला उसने उसे आवाज दी ओके अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या रहमान फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर अब रहमान ने जो है वो रहमान मुड़ा उसे देखने के लिए ही हैड अब उसके पास कोई भी बैग नहीं था आज उसके पास कोई बैग नहीं था इसलिए मिनी ने जो है आज उससे कोई भी डिस्कस नहीं किया एलिफेंट जोक के बारे में वो जोक करते थे दोनों कोई नहीं किया सी एडवांस और तुरंत ही वह उसने अपना अगला क्वेश्चन पूछा आर यू उसने पूछा आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाइस क्या तुम जा रहे हो जो वो क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से कि सास के घर जा रहे हो रहमान लाफ्ट से रहमान हंसा और उसने कहा जस्ट देर हाँ अभी वहाँ आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ लिटिल वन कि बेटा देन दैट द रिप्लाई तब रिप्लाई क्या उत्तर दिया है वो आश्चर्यचकित नहीं हुई बच्ची को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो आपस में एक दूसरा खेलते थे ना पहले भी आपको बताया था कि वो आपस में ऐसे क्वेश्चन करते थे एक दूसरे से तो रहमान ने यही बताया था एक पुलिस मैन की ओर सारा कदम ही हैड अंड सेंड और उसके हाथ जो है बंधे हुए थे इस समय उसने कहा आई वुड हैव दिस ओल्ड फादर कि मैं वहाँ पर थैस मैं करूँगा जैसा कि वो बोलता था फादर इन लोग के यहाँ बट माई हैंड्स आर लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि मैं पीटता वो बोलता था ना कि मैं पीट मैं पीटूंगा अगर वहाँ गया तो तो उसने बोला मैं पीटता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं इस समय रहमान वाज सेंटिस अब रहमान को जो है सजा हो गई कुछ सालों के लिए इम्प्रिजन में जेल में बंद कर दिया गया समय गुजरता गया ही वाज और उसे अब याद नहीं था इवन आर लिटिल मनी की वो हमारी छोटी सी मिनी आई एम असेम टू से अब मैं कहने में शर्मिंदा हूँ जो उसके फादर है वो कहने में शर्मिंदा हूँ कि फॉर गोट हर ओल्ड फ्रेंड कि वो अपने इतने पुराने मित्र को भूल गई न्यू कंपेनियंस अब उसके नए साथी आ गए थे उसके जीवन में ऐसी गिरोल जैसे ही वो बड़ी हो गई सी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम और उसने ज़्यादातर समय जो अपना व्यतीत किया गर्ल्स के अपनी एज की ही गर्ल्स के बीच में उनके साथ साल गुजरते गए इट द यह वह दिन था जब मिनी की शादी हो रही थी होने वाली थी सिंस अर्ली डाउन और सुबह से ही जो बैडिंग साउंडिंग की बैडिंग में जो बाजे बजते हैं वो बज रहे थे उनकी आवाज आ रही थी आई बात सिटिंग वहीं मैं बैठा हुआ था अपनी स्टडी करने के लिए लुकिंग थ्रू और मैं देखता हूँ वहीं अचानक से किसी ने प्रवेश किया और सैल्यूट किया भले ही के साथ वह कौन था रहमान कावली वाला था एट फर्स्ट और सबसे पहले आई कुड मैं उसे नहीं पहचान सका बट आई रियलाइज लेकिन मैंने महसूस किया इट वॉज हिम मैंने स्माइल मैंने महसूस किया कि वह मुस्कराया जब वह मुस्कराया तब तो मैंने पहचाना है हाउ और मैंने पूछा रहमान कैसे हो तुम आई सेड मैंने कहा वैन डिड यू कम तुम कब आए आई वॉज लेट आउट वैन डिड यू कम तुम कब आए ओके ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया कि मैं

कुड यू क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो किसी दूसरे दिन आ सकते हो एडवंस तक पहुंचा फिर से वो वापस मुड़ गया और कहा मिया, क्या मैं मैं क्या उस छोटी बच्ची को नहीं दे सकता हूँ सर कुछ समय के लिए इट वाजी उसका यही विश्वास था अब भी की मिनी जो है वो ऐसी ही है सेम जैसी पहने थी इन द मेमोरी उसकी यादों में जैसी वो पहले रहा करती थी ऐसी ही है और उसने सोचा होगा और हर फ्यू कि उसके लिए उससे कहा कि यहाँ पर बहुत से कार्य हो रहे हैं यू बुडेंट भी की तुम्हारा यु नहीं हो गये तुम समर्थ नहीं हो पाओगे उसे आज मिलने में यह सुनकर उस व्यक्ति का फेस थोड़ा उदास हो गया वह और वह चला गया आई फैल अब मैंने कुछ बहुत ही महसूस किया पछतावा हुआ मुझे आई वॉज गोइंग टू कॉल मैं उसे जा रहा था बुलाने के लिए वापस बट ही वाज लेकिन तभी वह लौटा आ रहा था वापस ही केम के रोज और वह मेरे पास आया और उसने कहा सर आई बो कि मैं ये कुछ चीजें लाया हूँ उसके लिए छोटी बची कुछ चीजें लाया हूँ क्या आप उसको दे सकते हैं उसे दे देंगे ये आई टूक दैम मैंने ले ली उससे वो चीजें मैंने उससे वो चीजें ले ली ओके मैंने उससे वो चीजें ले ली और मैं उसकी बदले में उसे कुछ देने लगा पैसे लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला काइंड सर डोंट ऑफर मी कि मुझे इसके पैसे मत दीजिए आई टू हैव अ मदर मेरे पास भी एक बेटी है ऐसी ही लाइक हरीनी रूम इन माय होम मेरे घर में कि मेरे पास भी मेरे ऐसी ही बेटी है मिनी की तरह आई थिंक ऑफर और मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये फ्रूट्स लाता हूँ तुम्हारी बच्ची के लिए नोट टू मेक एनी प्रॉफिट इसमें मैं कोई अपना लाभ नहीं देखता ओके सेइंग दिस ऐसा कहकर उसने एक पैकेट निकाला एक पेपर एक पेपर का एक पेपर था उसके अंदर अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकाला विद गेट केयर उसने बड़ी ही सावधानी से उसको क्या रखा मेरी टेबल पर रखा इट उस पर क्या था एक छोटे हाथ का छाप थी उसमें छोटे हाथ की छाप थी और वो छाप जो थी वो ब्लैक इंक से थी और वो एक हैंडलेट जो हाथ होता है उसको रखा हुआ था पेपर पर समतल उसकी वो छाप थी मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको देखकर क्योंकि वो किसकी थी उसके बेटी की जो हैंड है उसकी छाप थी उस पर पेपर पर आई सेंड फॉर मिनी मैंने तभी मिनी को तुरंत भेज दिया मैंने मेरे मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन उठ रहे थे बट आई वुड लेकिन मैंने नहीं सुना और मिनी के मिनी आई और वो खड़ी हो गई बड़े शर्म से खड़ी हो गई मेरे सामने अब कावली वाला कहता है शिवा क्लैडिंदा वो रेड सिल्क में थी क्योंकि उस दिन शादी का दिन था काबली वाला लुक टिपली काबली वाले ने देखा बड़े ही आश्चर्य से उसे एट लास्ट और अंत पे वह मुस्कराया और कहा कि तुम जा रही हो अपने सास के घर बट मिनी लेकिन अब जो है मिनी उसका अर्थ समझ गई थी शब्द का अर्थ सब जान चुकी थी वो सी फ्लस जब, वो थोड़ी लाल सी हो गए उसके कार की शर्म हुई उसे जब उसने क्वेश्चन पूछा एंड कैप्ट स्टैंडिंग वो खड़ी रही मेरे सा उसके सामने बिधर फेस टर्न डाउन तो उसने अपना फेस को टर्न किया और वह सी और जब वह चली गई रहमान ही रहमान ने गहरी सांस ली द आइडिया उसके मन में विचार आया अचानक से कि अपनी बेटी के बारे में कि वह भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स और उसके भी अब बहुत से मित्र होंगे बना लिए होंगे अगेन एंडाइड्स और इसके अतिरिक्त बात माइट नॉट हैव पेन और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा टू हर दीज दीजिए कि इतने सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा अब वह सोचने लगा कौन काबली वाला किसको देखकर सोचने लगा मिनी को देखकर वह सोचने लगा कि मेरी बेटी भी अब ऐसी ही होगी अब हो सकता है उसके भी फ्रेंड्स बन गए हो ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डू बर्ड मीनिंग फस चैटरिंग टॉकेटिव टॉकिंग बातचीत करना बहुत ज्यादा बातें करना ओके okay? बातूनी प्रेटल मीन्स नॉनसेंस सेंस फुल बेकार की बातें बकबक करना ओके टेरर मीन्स फियर भय पेडलर मीन्स हॉकर फेरी वाला जो फेरी वाले होते हैं ना टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्टेड आकर्षित हुआ स्टक चिपकना पेसिंग बीटिंग पीट रहे हैं वेरी मैन मीन्स जॉयफुल आनंद लेना पीर्स मीन्स अ लॉन्ग लाउड साइन लाइक विशेल जैसे विशेल मीन्स कॉन्फिडेंस विश्वास दिलाना

First, Roji logo. Thank you for watching this video. Please subscribe uh. my channel and like.